से हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश शीतल जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं किस तरह का संकल्प वहां के लोगों ने दिया है। योगेश, क्या कुछ प्रतिक्रिया मुंबई से? देखिए रमा, सबसे पहले तो जिस तरीके से पूरे स्वतंत्रता आंदोलन की एक छवि आज दिखाई दी, पूरे अगर मूवमेंट की बात करें, चाहे हम असहयोग आंदोलन की बात करें, चाहे हम अंग्रेजों भारत छोड़ो, जिसका एक महात्मा गांधी ने एक स्पीच डिलीवर किया था, जिसके बाद पूरी जितने भी बड़े नेता थे उस समय के स्वतंत्रता संग्राम के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। यही वो ग्राउंड है जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं अगस्त क्रांति मैदान जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं, यही वो मैदान था जहाँ से वो स्पीच जो है वो डिलीवर की गई थी, और जिसके बाद एक तरह हम सकते हैं कि निर्णायक जो आंदोलन है वो शुरू हुआ था, और फिर अल्टीमेटली 1947 में जाके जो देश को है वो आजादी मिली थी। कहीं ना कहीं जो है इस चीज का जिक्र करके जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चीज तो स्पष्ट कर दी है कि जिस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन को समय के साथ जिस तरीके से कह सकते हैं कि नया जनरेशन जो था उन तक ये बात पहुंचाई जाए कि किस तरीके से सेक्रीफाइस किया गया था, किस तरीके से कमिटमेंट था जो फ्रीडम फाइटर्स थे उस समय के, वो कहीं ना कहीं उसको अंडरलाइन किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो सिर्फ अगर हम अगस्त के बारे में हम देखें तो पीएम ने गणपति का भी जिक्र किया जो कि 24 तारीख को है, और निश्चित तौर पे मुंबई में अगर हम बात करें तो गणपति का बहुत ही भव्य आयोजन किया जाता है, चाहे वो लालबाग का राजा हो, चाहे वो अलग अलग जीसीबी हो, अलग अलग जो मंडल है वो करते हैं। जो इको फ्रेंडली की बात की गई उसका कहीं ना कहीं जो है असर यहाँ जरूर पड़ेगा, क्योंकि जिस वक्त हम यहाँ पे खड़े थे काफी लोग हैं जो अलग अलग जगहों पे एलईडी स्क्रीन लगा के वो देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसका जो प्रभाव है वो धरातल पर पड़ता है। तो ये जो चीजों को समाहित किया गया है आज के मन की बात में, मुंबई की अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो काफी महत्वपूर्ण है, और काफी लोगों को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कनेक्ट किया गया है इस मन की बात के द्वारा। जी रामा जी, योगेश शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। मुंबई के लिए नहीं पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है राम कृपाल जी, जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं।